हाय नमस्ते। आज मैं सबको सिखाने वाली हूँ कि आप मछली को कैसे बिना ऑयल के भून सकते हैं। मछली को बिना ऑयल से भूनने के लिए मेक श्योर करना होगा आपको कि मछली जो है वो ऑयली फिश हो, तेल वाली फिश हो, और आपके पास नॉन स्टिक पैन हो, और आप ज़्यादा रश नहीं करना है। इसको करने के लिए आपके पास काफ़ी टाइम होना चाहिए, जैसे कि कम से कम 30 मिनट्स हो आपके हाथ में। तो मछली को अच्छी तरह से धो के क्लीन करके उसके बाद उसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक लगाएं, और नॉन स्टिक पैन को थोड़ा सा चुटकी भर ऑयल दे के चारों तरफ नॉन स्टिक पैन में लगा लें, एक ड्रॉप ऑयल दे के। उसके बाद जो धुली हुई मछली के पीसेस हैं वो या तो सैमन होना चाहिए या तो मैकरेल होना चाहिए, कोई भी ऑयली फिश होना चाहिए। तो जो पैन में एक चुटकी तेल देके चारों तरफ लगा दीजिए नॉन स्टिक पैन में। उसके बाद ये हल्दी और नमक में मिलाया हुआ ये मछली, इसमें मैं 1 चम्मच हल्दी 1 चम्मच नमक डाली हूँ, और ये काफ़ी सारा मछली के पीसेस हैं, करीब करीब 4-4 मैकरेल हैं इसमें। तो उसके बाद इसको आपको पैन में अच्छी तरह से सजाना है। ज़्यादा एक साथ मछलियाँ मत दे दें तो वो ब्रेक कर जाएगी। तो इसके करने के सही तरीका यही है कि आप इसको मछली को बहुत ज़्यादा मछली एक साथ ना दें, और आप इसमें बिल्कुल भी जल्दीबाजी ना करें। मछली को देख के बस बहुत धीमी आंच करना है, बहुत धीमी आंच करके इसको रख देना है। जब वो एक साइड हो जाएगी 10 मिनट के बाद, तो उसको आहिस्ता से अब दूसरी साइड में पलट देंगे। पर वो एक साइड में एक बार बनेगा और दूसरी साइड में एक बार बनेगा, इसके अलावा उसको और नहीं घुमाना है, उससे वो जल्दी ही टूट जाएगी। तो अब मैं ये मछली को जो है इस पैन में अच्छी तरह से सजा लूँगी। पैन में एक चुटकी तेल देके पैन के चारों तरफ लगा दिया है, और जो मेरा ओवन जो है वो बहुत ही धीमा में रखा है, एकदम लोएस्ट पॉइंट में रखा हुआ है। तो मछली को इसमें सजाने के बाद आप इसमें कोई भी ढक्कन देने की ज़रूरत नहीं है, और फ्लेम बहुत बहुत कम रखना होगा, और मछली को बिल्कुल आप क्राउडेड ना करें, एकदम सबके लिए मछली के मुंह होने के लिए थोड़ा जगह छोड़ें। और पीसेस भी छोटे छोटे करें, लेकिन बहुत छोटा मत करें, उससे वो टूट जाएगी। और इसको बस एक ही बार पलटना है, जब वो एक साइड में हो जाएगा तो वो, अगर आप बार बार इसको पलटेंगे तो ये टूट जाएगी। और इसके पलटने की सही तरीका है कि इसको एक फोर्क से आप पलटें। इसको आप जो है ये बिग स्पून से ना पलटे, एक फोर्क से आप पलटे। मैं सारा साथ में दे रही हूँ ताकि एक बार में हो जाए, लेकिन आप अगर इसको अच्छा से बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा एक साथ में नहीं दीजिए। जितना मैं दी हूँ यहाँ पैन पे, ये 2 बार में होगा, एक बार में थोड़ा टूट टूट जाएगा। तो अब देखिए मेरा 10 मिनट हो गया है एक साइड का, और मैं उसको पलट दी हूँ दूसरे साइड में। तो यहाँ ये बेस्ट रहेगा फोर्क से धीरे धीरे पलटना। अब ये काफ़ी तेल छोड़ दिया है, क्योंकि ये जो है ये मैकरेल फिश है, मैकरेल फिश काफ़ी तेल आपको वापस देती है। अब इस तेल से आप कोई भी खाना बना के खा सकते हैं, और इस तेल को ऐसे ही आप रख के फिर उसमें साग बना सकते हैं। और इस तेल में आप थोड़ा सा प्याज लहसुन आदि ये सब भून के फिर मछली को थोड़ा सा ग्रेवी बना सकते हैं। लेकिन अभी जो ये मछली मैं उठा दी हूँ प्लेट में,
ये बस ऐसे ही चावल के साथ ले सकते हैं और ऐसे ही खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी होता है और इसमें बस मैं नमक और हल्दी डाली हूँ और कुछ नहीं दी हूँ। अगर आप चाहेंगे तो ये जो तेल है इसमें कटा हुआ आप ऑनियन दे दीजिए, प्याज, और उसके बाद कटा हुआ गार्लिक जिंजर जो है कि लहसुन और आदि दे दीजिए, और उसके बाद आप टमाटर दे दीजिए, बाकी सारा मसाला दे के भून के और वो ग्रेवी की तरह बना के मछली के ऊपर डाल दीजिए। मछली को ग्रेवी में मत कुक कीजिए क्योंकि ये ऑलरेडी कुक हो चुका है और इतने सारे तेल बचे हैं। ये तेल में कुछ भी बना सकते हैं आप। तो ये रही मछली फिश फ्राई, ये बहुत बहुत टेस्टी होती है। इसको राइस के साथ खाएं और ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये मैकरेल फिश है और ये खुद तेल वापस देती है, और इसको बनाने के लिए एक बूंद भी तेल की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन मैंने एक बूंद तेल जो है वो मैं पैन में लगाई थी क्योंकि मुझे ये था कि पैन एकदम से बिना तेल की मैं चढ़ाऊंगी तो उसमें स्मेल देने लगती है क्योंकि ये नॉन स्टिक है। तो उसमें थोड़ा सा एक बूंद तेल दे के उसको थोड़ा सा गीला करना होता है। तो ये मैकरेल फिश बहुत ही अच्छा होता है हार्ट के लिए क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलते हैं। ये फिश ऑयल है, हमारे लिए बहुत अच्छा है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है, जस्ट धीरज रखना है।